हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का हिंदी दूसरी इकाई पोएम नंबर 11, वीरों को प्रणाम। तो देखिए स्टूडेंट, पोएम को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड के हिंदी, इंग्लिश, EBS 1, EBS 2 और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं, वीरों को प्रणाम। तो देखिए यहाँ पे वीर कौन होते हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं, हमारे देश के सैनिक होते हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वीर। तो ऐसे वीरों को हमें प्रणाम करना है। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। तो देखिए ये जो सैनिक होते हैं, इनके लिए हमारा देश सबसे इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। हमारे देश की मिट्टी का हर एक कण कण उन्हें जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है। प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। तो देखिए ऐसे वीरों को हमें सौ सौ बार प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जान से भी ज़्यादा हमारे देश की परवाह करते हैं। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। तो देखिए हमारी जो धरती है, यहाँ पर गंगा जमुना जो नदियाँ हैं ये बहती हैं, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। तो जो सैनिक होते हैं, ये हमेशा देश की रक्षा करने के लिए, उसे बचाने के लिए क्या करते हैं, मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। ये अपने जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा। तो ये हमारा जो देश है, जब गुलामों के हाथों में था, जब हमारे देश में स्वतंत्रता नहीं थी, उस टाइम जो भी हमारे लाइफ थी या फिर जो भी समाज था हमारा, ये बिल्कुल ही अलग था। लेकिन कुछ जो वीर हुए उस टाइम, उन्होंने अपने जान लगा दी, बलिदान किया, जिसके कारण हमारा देश जो है स्वतंत्र हुआ है, जिसे हम चमका हिंद वतन का तारा कहते हैं, वीरों के बलिदान से। तो उस टाइम जो वीर थे, जिन्होंने यहाँ पे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और जिसके कारण हमारा देश जो है स्वतंत्र हुआ, इसके लिए हमने देश को क्या कहा यहाँ पे, चमका हिंद वतन का तारा। नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। तो ऐसे जो वीर है जिनके कारण हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है, या फिर जो सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, उन्हें हमें सौ सौ बार प्रणाम करना चाहिए। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। तो देखिए ये जो आज़ादी हमें मिली है, स्वतंत्र जो हमारा देश हुआ है, ये किसी से भीख मांग के नहीं हुआ है, कि किसी से बोल दिया कि हमारे देश को स्वतंत्र कर दो और उन्होंने कर दिया, ऐसे नहीं हुआ है। इसके लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ गए हैं लोग वीर, इसके लिए उन वीरों के कारण, उन सैनिकों के कारण ही हमारे देश को ये स्वतंत्रता, ये आज़ादी मिली है। सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। तो कई सारे जो सैनिक होते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हुए अपनी जान यहाँ पे लगा देते हैं, प्राणार्पण कर देते हैं, जिनके कारण ये हमारे देश को क्या मिलती है, यहाँ पे सुरक्षा मिल पाती है। तो यहाँ पे जो आज़ादी मिली है, किसी से भीख में हमें नहीं मिली है। कुछ लोगों ने अपने खुद के प्राणार्पण कर दिए, प्राणार्पण मतलब अपनी जान दे दी देश के लिए, इसके लिए आज हमें ये आज़ादी मिली है। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्यार से प्यारा। प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। तो देखिए जो सैनिक, जो वीर हमारे देश के लिए इतना कुछ करते हैं, तो उनके लिए हमें सौ सौ बार उनको क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ऐसे ही आपको ये पोयम दी है। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।